अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनहरास व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपसे बटर कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। इंतहाई डिलीशियस और सॉफ्ट कुकीज़ हैं, तो रेसिपी देख लीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। अनसॉल्टेड बटर 230 ग्राम्स, पाउडर शुगर 80 ग्राम्स, ऑल पर्पज़ फ्लोर 210 ग्राम और 1.5 कप, कॉर्न स्टार्च 4 टेबल स्पून, वेनिला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। अब हम सबसे पहले एक मिक्सर बाउल के अंदर रूम टेम्परेचर पर बटर को ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर बटर हमने यूज़ करना है, फ्रिज का यूज़ नहीं करना है। अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर को ऐड करेंगे और दोनों को वाइप कर देंगे। 4 to 5 मिनट्स तक तकरीबन आपको इसको बीट करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से बीट कर लीजिए ताकि अच्छे से वाइप हो जाए। अब हम इसके अंदर वेनिला एक्सट्रैक्ट को ऐड करेंगे और दोबारा से बीट करेंगे। वेनिला एसेंस को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद हम कॉर्न स्टार्च ले रहे हैं 4 टेबल स्पून और उसको इस मिक्सर में ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हम ऑल पर्पज़ फ्लोर को 2 पोर्शंस में इसमें ऐड कर देंगे। 1 पोर्शन अभी हम ऐड कर देंगे और 1 पोर्शन को इसके बाद ऐड करेंगे। ये देखिए, हम 1 पोर्शन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से वाइप करेंगे ताकि एक स्मूथ मिक्सचर रेडी हो सके। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने इसको वाइप करना है। ये देखिए, हम इसको अच्छे से बीट कर रहे हैं। जितना अच्छे से आप बीट कर सकते हैं इसको बीट कीजिए, इसमें कोई लम्स पैदा नहीं होना चाहिए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं हमें इसको बीट करते हुए। अब हम इसमें बाकी का जो ऑल पर्पज़ फ्लोर रह गया था वो भी ऐड कर देंगे और स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना अच्छे से मिक्स कीजिए कि स्मूथ टेक्सचर का मिक्सर हमें मिल जाए। अब एक पाइपिंग बैग ले लेंगे जिसके अंदर एक 5 हेड वाले नोज़ल को हमने फिक्स कर लिया है। अब पाइपिंग बैग के अंदर मिक्सर को ऐड कर लेंगे। ये देखिए, तमाम मिक्सर को हम इस पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर रहे हैं और इसके एंड पे हम एक नॉट लगा देंगे। हमारा पाइपिंग बैग रेडी हो चुका है। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे जिसके अंदर बटर पेपर को एडजस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर जिस शेप के आपको कुकीज़ चाहिए वो शेप के कुकीज़ बना लेंगे। ये देखिए, मुझे राउंड कुकीज़ चाहिए थे इसलिए मैंने राउंड कुकीज़ एडजस्ट कर लिए। तमाम कुकीज़ को इसी तरह प्लेस करके इसको ओवन में रख देंगे बेकिंग के लिए। ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लीजिए और इसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। आप 20 मिनट्स के ऊपर इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपके कुकीज़ रेडी हो तो आप इसको ओवन से निकाल लीजिएगा। चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कुकीज़ बेक हो रहे हैं। 20 मिनट्स में हमारे कुकीज़ रेडी हो गए।
इट्स सो यमी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।